तो ये नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरे ब्रांड न्यू क्रूक की अनबॉक्सिंग। तो मैंने इसे amazon.in से खरीदा है, तो पैकेज को ओपन करते हैं। यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ पर amazon की स्टैंडर्ड पैकेजिंग मिल जाती है। तो ये हो गया ओपन। इसके अंदर से एक एयर कुशन मिल जाता है जिससे क्रूक को प्रोटेक्शन मिलेगा। उसे साइड में रखते हैं तो उसके नीचे है रिसिप्ट amazon.in की, और फिर मिल जाता है आप लोगों को मेन बॉक्स। तो बॉक्स कुछ इस तरह से इस पर मतलब चाइनीज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है थंडर क्लैप, और ये वर्जन 2 है। इस साइड आप लोगों को मैक्स वॉल की पिक्चर दिख जाती है, और यहाँ पर एक QR कोड, यहाँ पर पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन है जो मैं नहीं पढ़ सकता, पूरी तरह से चाइनीज में है। यहाँ पर मैक्स वॉल्फ का चित्र इसलिए है क्योंकि उसने रिकॉर्ड किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड 4.75 सेकंड्स का 2016 में। तो ये एकदम अच्छी क्वालिटी की बैग मिल जाती है, कैरिंग बैग आप लोगों को। तो इसके अंदर आप कुछ इस तरह से रखिए और आप कैरी कर सकते हैं। तो इसके अंदर से कार्डबोर्ड निकलता है, कार्डबोर्ड का बॉक्स, और उसके अंदर है आपका क्यूब। तो क्यूब कुछ इस तरह से पैकिंग के साथ आता है। पैकिंग अच्छी है। इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है एक हाइड्रोसॉल मैनुअल, कुछ इस तरह से मैनुअल है। तो अब हम इसे काटते हैं, तो इस तरह से कट जाता है, मतलब पूरा क्यूब प्लास्टिक में रैप्ड है। तो कुछ इस तरह से क्यूब है आउट ऑफ प्लास्टिक। तो इस हम टेबल को साफ कर देते हैं चिटकी हो जाते ही, और फिर क्यूब की डस्टिंग। बहुत ही ज्यादा स्मूथ क्यूब है मेरे पुराने क्यूब से। तो यहाँ पर मुझे स्टिकर पसंद है, मेरे क्यूब पर मुझे ब्रांडिंग नहीं अच्छी लगती, तो मैं इसे स्टिकर निकाल देता हूँ। स्टिकर को मैं बॉक्स पर चिपका देता हूँ। तो अब 3x3 फिंगर ट्रिक्स में करता हूँ। तो ये हो गई 3 फिंगर ट्रिक। अरे वापस से एल्गोरिथम, जो कि लास्ट एल्गोरिथम है। तो बहुत ही अच्छा क्यूब है, मुझे पसंद आया है। तो यहाँ पर मैं इसे शफल कर देता हूँ, और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे क्यूब सॉल्विंग का टाइम। तो यह मेरा फोन, इसमें मैं स्टॉप वॉच यानी क्लॉक में जाने के बाद स्टॉप वॉच पर क्लिक करूँगा। तो ये कुछ स्टॉप वॉच है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्यूब को सॉल्व करना। तो सॉरी, मैंने गलती से कैमरे से बाहर ले लिया था क्यूब। ये तो फर्स्ट लेयर हो गई। अब सेकंड लेयर भी होने वाली है, एक पीस लगाना बस बाकी है। तो अब थर्ड लेयर के बढ़ते हैं। तो थर्ड लेयर का ऊपर का पोर्शन अब कंप्लीट हो जाएगा अब एल्गोरिथम करने के बाद। ओके, तो पोर्शन कंप्लीट हो गया, और अब लास्ट स्टेप, और एक बार और ये कंप्लीट। तो मैंने इस क्यूब को कंप्लीट किया है 59.3 सेकंड्स में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक।
लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।